सभी पशुपालक भाइयों को मंजित यादव की तरफ से नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भाई पहली बार वीडियो देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अभी जो कैमरे के सामने भैंस है ये बिल्कुल छोटे फार्मर हम कहेंगे, एक पशु रखते हैं लेकिन अच्छा पशु लेके आते हैं। तो भाई का नाम है श्री भगवान, गांव बाळंद जो कि रोहतक ज़िले के अंतर्गत आता है। अभी जो भैंस है ये तीसरे ब्यांत में है, थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन एक बात सभी को पता है, जो दुधारू पशु होगा वो बॉडी से थोड़ा कमज़ोर ही मिलेगा। बिल्कुल पतली चमड़ी की, अभी 20 किलो दूध कांटे के तोल का तैयार है, साथ ही में मेल काफ और एक महीने से ऊपर सूई हुई हो चुकी है, काफ़ी जोशीले और टाइट आर्डर में है। 19 से 20 का थोड़ा दबाव भी एक साइड से कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाके देखें कई बारी पशु बैठ के उठता है तो भी ये चीज़ें दिख जाती हैं। और जो भी भाई वीडियो देखने से पहले मैं कहूँगा, जो इसे लेना चाहता है वो अपनी 2 टाइम की मिल्किंग नाप के ले, क्योंकि एक बार पेमेंट लगानी है, कोई 5-7 हज़ार का काम नहीं, लाखों की रकम लगती है आजकल पशुओं पे। और 2 टाइम जांच के लेने पे एक संतुष्टि होती है कि पशु में इतना दूध है। तो तीसरे ब्यांत की ये हम झोटी भैंस कहेंगे, 20 किलो दूध कांटे के तोल का तैयार। इस टाइम के अंदर पशु वैसे भी बच्चा कम दे रहे हैं, साथ ही में दूध की प्रोडक्शन आगे कम होगी क्योंकि गर्मी का सीज़न आ रहा है और अभी जो दुधारू पशु हैं वो मिलने बहुत मुश्किल हैं। लेकिन लॉकडाउन की एक ऐसी समस्या चल रही है, पशु खरीदें तो उससे पहले ये सोचना पड़ता है कि अगर और टाइम बढ़ गया तो हम अपने घर लेके नहीं आ पाए, 2 से अगर 1-2 महीना और बढ़ा दिया लॉकडाउन का टाइम तो भारी समस्या आ सकती है। क्योंकि आज जो पेमेंट लगा रहे हैं 2 से 3 महीने शुरुआत वाले ही, जो पशु का एक दूध बेचने का या जो भी इंटरेस्ट होता है 2-3 महीने का ही होता है, बाद में तो वो नॉर्मल रूटीन पे दूध देता है 12 किलो 13 किलो 14 किलो। तो काफ़ी अच्छी भैंस है भाई, आपको कुछ मिल्किंग भी करके दिखाएंगे इसकी कुछ क्षण, क्योंकि इस मिल्किंग को मैं वीडियो देखने वाले भाइयों को कहना चाहूँगा, इस मिल्किंग को न माने, क्योंकि अपनी 2 टाइम देख के लें। 20 किलो दूध के पशु वैसे कम हैं, क्योंकि कहने को तो बोल देते हैं, हमने बहुत से फ़ोन आए हैं कि उन्होंने ये कहा था कि भैंस 20 किलो दूध देगी, खीस से खाली भी नहीं कि ऐसे कि ऐसे दे दी, अभी वो दूध दे रही है 13-14 किलो, कोई 12 किलो बता रहा है। तो ऐसे न करें क्योंकि पेमेंट लगा रहे हो, 2 टाइम जांच के लें। अभी मान के चलिए कोई भी पशुपालक अगर 1 टाइम की मिल्किंग में आप उससे संतुष्टि न करें, क्योंकि हो सकता है 2-3 घंटे का टाइम लगा रखा हो, और अगर आपका टाइम नहीं है, कोई भी एक आदमी 500 रुपये में 1000 रुपये में जाके दूध देख लेगा, लेकिन अगर गलत सिलेक्शन हुआ तो मेरे हिसाब से 30-40 हज़ार का लॉस होगा। तो अभी आपके सामने दूध को नाप के दिखाया जाएगा। मैं फिर से कहूँगा, जो भी भाई अगर लेने का इच्छुक हो लॉकडाउन हटने के बाद, तो अपना 2 टाइम का दूध नाप के लिए भाई काफ़ी अच्छे हैं और ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कई बार पशु अप डाउन कर देता है। मैंने ऐसे ऐसे पशु देखे हैं जो 20 किलो दूध निकालने वाले और दूसरी जगह पे जाके 10-10 किलो दूध देते हैं, वो 20-20 दिन 25-25 दिन सेट होने में ले लेते हैं। तो दूध देखने के बाद ये एक संतुष्टि हो जाती है कि उस पशु की इतने दूध की हैबिट थी, क्योंकि वो हमारे घर आके सेट नहीं हो पाया। तो इसके नीचे मेल काफ है, भाई ने कहा 1 महीने से ऊपर है, तो आप चाहे कोई भाई से 1 महीना 10 दिन का भी मान सकता है, 1.5 महीने का भी मान सकता है, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे जाके देखता तो सारी चीज़ें आपको बता सकता था। ये वीडियो श्री भगवान भाई ने हमारे पास डाली और हमने आपके समक्ष ये शेयर की। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जो भी भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो शेयर करें वीडियोज़ को, ताकि हर उस पशुपालक तक हमारी वीडियो जाएँ जो अच्छे पशुओं का शौक़ रखते हैं। और हर पशु हम कहेंगे कंपटीशन के लायक भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि आम किसान के पास ऐसे पशु भी हैं जो कंपटीशन के लायक हैं लेकिन लेके नहीं जाते, वो भी दिखाते हैं। और दुधारू पशु जो थोड़े बहुत मुर्रा की कैटेगरी से बाहर हो वो भी दिखाते हैं, क्योंकि दूध का मोल होता है पशु का। तो भाई ने कहा कि इसकी टैल 5 इंच वाइट है, काफ़ी भाई जो बाल लंबे देख के बोल देते हैं। तो
अधिक जानकारी के लिए इनका नंबर स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूँ, श्री भगवान भाई से आप संपर्क कर सकते हो। हमारे इस प्रयास में आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो आज हमारी चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर हैं और ये आपकी अपनी मेहनत है। अगर मैं कहूँ अकेले मेहनत हमने ही की है तो वो गलत होगा। तो ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। जो भाई लॉकडाउन के चलते घरों में बैठे हैं वो वीडियोस का एंजॉय करें और किसी के खाते में पैसे न लगवाएं, क्योंकि खाते में पैसे लगवाने के बाद अगर लॉकडाउन खुलने से पहले भैंस नहीं आ पाई, 1 महीने का भी बढ़ सकता है, 14 तारीख को भी हट सकता है, तो कुछ पता नहीं। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको भैंस कैसी लगी। सभी पशुपालक भाई जो वीडियो देख रहे हैं, सभी को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।